पंछी कितने प्यारे लग रहे हैं। आ जाओ शिनचैन, मैं फोटो खींच रही हूँ। क्या कर रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ गई मुसाई मौसी? मैंने सोचा क्यों ना कुछ फोटो खींच लिए जाए। सुबह सुबह तो फोटो खींचने के लिए सब्जेक्ट अच्छे मिल जाते हैं, पर अभी कुछ दिख नहीं रहा। सब्जेक्ट तो आपके पीछे ही खड़ा है, ध्यान से देखिए। फोटो के लिए मुझे कुछ अलग सा सब्जेक्ट चाहिए शिनचैन। शिरो, जमीन पर लेट जाओ। कितना अच्छा पोज आ रहा था, तुमने बीच में क्यों बोला? क्यों, मेरा पोज ठीक नहीं है क्या? मुझे पोज नहीं चाहिए, मुझे नेचुरल फोटो खींचने हैं, जिससे शीरो जब हंसता है तो कैसा लगता है। शीरो स्माइल। ये बैगन कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये लाल लाल टमाटर, और ये बीन। तुम दोनों यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो? सॉरी दीदी, पर मैं तो यहाँ पर बस फोटो खींचने के लिए आई थी। फोटोग्राफर की कोई कदर नहीं। तुम चुप रहो, जाओ यहाँ से। छुट्टी वाले दिन तो कम से कम आराम करने दिया करो। माफ कर दीजिए। गुड मॉर्निंग डैड। डैड, आज आपकी छुट्टी है, प्लीज हमें कहीं घुमाने ले चलिए ना। देखो शिनचैन, आज मेरी छुट्टी है इसलिए मैं आराम करूँगा। गार्डन में नरम नरम घास के ऊपर आराम से बैठने में भी बहुत मजा आता है। पता है। प्लीज डैड चलिए ना। डैड प्लीज। मुसाई मौसी भी कह रही थी कि उन्हें बाहर जाकर फोटो खींचनी है। हाँ हाँ, अगर आप चलेंगे तो शायद मुझे भी कुछ अच्छा सब्जेक्ट मिल जाए। अगर ऐसा है तो चलते हैं ना, इस तरह इनकी हेल्प भी हो जाएगी, ठीक है ना? हाँ डैड चलते हैं ना, बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है चलेंगे, और वहाँ पर जाकर हम लोग कैंपिंग करेंगे। नहीं नहीं, हम तो अपने गार्डन में बारबेक्यू करेंगे। अपने ही गार्डन में? हाँ, तो क्या हुआ, ठीक है ना? कुछ तो चेंज होगा। अरे वाह, मुझे बारबेक्यू बहुत पसंद है। बारबेक्यू बारबेक्यू। अरे वाह, मतलब खाने की कितनी अच्छी अच्छी चीजें होंगी। सिर्फ खाने के बारे में मत सोचो, तुम्हें वहाँ अच्छी अच्छी फोटोज भी खींचनी है। उसकी फिक्र मत कीजिए। बस तो फिर आज का फैसला हो गया। ठीक है, आप तैयारी शुरू कीजिए। मैं भला क्यों तैयारी शुरू करूं? तो और कौन करेगा? मुझे ही हमेशा ये सब करना पड़ता है। ठीक है, कर लूंगा। चलो आ जाओ, सब तैयारी हो गई है। ठीक है। मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। मैं ये खाना ग्रिल पर रखकर कोयले जलाऊंगा। मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। शिनचैन, तुम बहुत छोटे हो और छोटे बच्चों को आग के पास नहीं होना चाहिए। सही कहा आपने। डैड आप ये प्लेट ले लेंगे, मैं इसे पकड़े पकड़े थक गया हूँ। मैं इसे हटा लेता हूँ, लेकिन एक बात सुन लो मेरी अच्छी तरह से। तुम लोग बारबेक्यू करना बहुत मेहनत का काम है, इसलिए मुझे परेशान मत करना, ठीक है? ठीक है। रुक जाइए आप, ऐसा नहीं कर सकते। क्या हो गया? बारबेक्यू करते हुए कौन रोक रहा है मुझे यहाँ? मैं बारबेक्यू की रानी हूँ, मुझे आपसे ज्यादा पता है, इसलिए मैं बताऊंगी कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं। रानी साहिबा, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करूंगा मैं। मुझे समझ नहीं आता कि बड़े लोग आखिर किस तरह की बातें करते हैं। अब आप सब इसे गौर से देखिए, इसमें गाजर है, टमाटर है और प्याज है, पर क्या आपको नहीं लगता कि इस गाजर की वजह से इस पूरे बारबेक्यू का टेस्ट खराब हो जाएगा? और वैसे भी गाजर तो खरगोश खाते हैं, तो फिर हम लोग इसे कैसे खा सकते हैं, बताइए? बिल्कुल नहीं खा सकते। और मेरे होते हुए आप लोगों को मैं इस तरह का खाना बिल्कुल नहीं खाने दूंगी जिसमें बिल्कुल भी स्वाद ना हो। कभी आपने सोचा है कि अगर हम इस तरह का बारबेक्यू खाएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हमें बारबेक्यू बनाना ही नहीं आता है? पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वजह क्या है, तुम्हें गाजर पसंद नहीं है ना? मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा यहाँ। मुझे तो लगता है कि इसमें शिमला मिर्च भी नहीं होनी चाहिए। अरे कुछ गड़बड़ है। वहाँ मुझे गदगदी हो रही है। तुमने शिमला मिर्च और प्याज क्यों छुपाए? लेकिन मॉम, मुझे शिमला मिर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इससे बारबेक्यू का टेस्ट भी खराब हो जाएगा। चुप रहो तुम। सॉस कहाँ है? मैं तो भूल ही गई। शिनचैन बेटा, भाग कर जाओ और जल्दी से फ्रिज में से सॉस निकाल कर ले आओ। ठीक है। हाँ?
अरे ये क्या किया तुमने शिनचैन, सारी सॉस गिरा दी, अब हम क्या करेंगे? अरे वाह कितनी प्यारी फोटो आई है, यकीन नहीं होता कि ये मैंने खींची है। किसी को मेरी चिंता नहीं है, किसी को सॉस की चिंता है तो किसी को फोटो की। शिनचैन तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? ऐसी बात नहीं है शिनचैन। ये लो ये भी तैयार हो गया। ये। लेकिन बिना सॉस के इन्हें खाएंगे कैसे? अरे हाँ क्या हुआ दीदी, हमारे पास तो सॉस बनाने का सामान ही नहीं है, अब हम कैसे बनाएंगे? सॉस तो होनी ही चाहिए। बिना सॉस के हम बारबेक्यू कैसे करेंगे? ये तो ऐसा है जैसे बिना गाजर के गाजर का हलवा। और हाँ जैसे बिना कैमरे के फोटो खींचना, या फिर कह लो बिना स्टीयरिंग के कार चलाना, या फिर बिना चीज के पिज्जा और बिना बॉल के फुटबॉल गेम। हैरी आप इसी वक्त जाकर बाजार से सॉस ले आइए। मैं जाऊं? अरे कोई और भी तो जा सकता था ना तुम में से, लेकिन मुझे पता है कि कोई और तो जाएगा नहीं, इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा। ठीक है जल्दी आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। हम आपका इंतजार करेंगे डैड। चिंता मत कीजिएगा, आपके बिना हम पार्टी शुरू नहीं करेंगे। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। पता नहीं मैं ही क्यों फंसता हूँ हमेशा। मैं सॉस ले आया। आपका स्वागत है। आइए खाना शुरू करते हैं। देखा कितने बढ़िया बने हैं। वाह आह